हेलो एवरीवन। तो आज आपको मैं एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे हर्बल प्लांट्स एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक छोटा सा मिनी हर्बल गार्डन बनाया है, देखिए सैंपल के तौर पे यहाँ पर काफ़ी हर्बल प्लांट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं इससे। ये है आपका वासा एडोटोडा वेसेका, एक्सपेक्टोरेंट हर्बल मेडिसिन के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। ये देखिए ये क्या है, अब ये देखिए ये है शतावर एस्पैरेगस रेसिमोसस। देन नेक्स्ट ये आ गया आपका एनासाइक्लस पायरेथ्रम अकरकरा। ये देखिए आजकल मई मंथ में किस तरह से इसके ये इसके फ्लावर्स लोकल इसे काफ़ी यूज़ करते हैं अपने दांतों की दर्द के लिए ज़्यादातर। नेक्स्ट आ गया आपका ये है पत्थरचट। लोग इसे पथरी के लिए इसके पत्तों को पीस के इसका पानी निकाल के लगभग 100 ml उसको पीते हैं ताकि पथरी निकल जाए। हालांकि इसका अभी तक कोई रिटर्न कोई थीसिस वर्क मैंने नहीं पढ़ा है, बट ये है कलनकी पिन्नाटा कैथीड्रल बेल्स भी इसकी इसको बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्लावर है उस तरह से दिखता है। और ये देखिए नेक्स्ट, ये तो आप पहचान ही लिया होगा आपने, ये है लेमन ग्रास। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देखिए अभी इसी के साथ एक और देखिए आप, ये देखिए ये देखिए ये है स्नूही यूफोर्बिया नेरीफोलिया, इस तरह से आजकल इसमें लीव्स हैं। और ये देखिए इसका जो दूध है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है हमारे शार सूत्र बनाने के लिए। अगर इसमें हल्का सा कट लगाया जाए तो वहाँ से दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और इसे तो सब पहचानते ही हैं, ये है एलोवेरा घृत कुमारी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए ये अपामार्क पुटकंडा एक्रेंथस एस्पेरा, ये भी पाइल्स के लिए शार सूत्र बनाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है स्नूही शीर के साथ। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें अभी फ्लावरिंग आ रही है विधानिया सोमनीफेरा यानी कि अश्वगंधा, बहुत ही अच्छी हेल्दी स्टेट में है। इसका लीफ साइज़ देखिए आप, काफ़ी अच्छा इस वक्त ये हेल्दी स्टेटस में है। नेक्स्ट ये तो आप पहचान ही लेंगे, ये है वचा, ये इसकी लीव्स एकोरस कैलमस, काफ़ी अच्छी हेल्दी स्टेट में ये है। अब ये देखिए बीच में पत्थर चट के साथ ये देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखें ये है पुनर्नवा बोहरेविया डिफ्यूज़ा। और ये देखिए अगर इसका आपको फ्लावर दिखे फ्लावरिंग, ये देखिए बहुत ही, और जो इसका टिपिकल फीचर ये देखिए एक छोटा सा पत्ता है साथ में पत्तों के साथ बड़े पत्तों के साथ, ये पुनर्नवा बोहरेविया डिफ्यूज़ा इस तरह से ये है। और ये देखिए आगे ये आ गया आपका वोयला ऑडोरेटा बनफ्शा, यूनानी मेडिसिंस में काफ़ी इसका प्रयोग किया जाता है इसका, तो ये भी यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरह से एक छोटी सी जगह में काफ़ी ज़्यादा हर्बल प्लांट्स। और एक और चीज़ ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता, मीठा नीम भी लोग इसे कहते हैं, और इंडियन डिशेस में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। और देखिए ये है अश्वगंधा एकोरस कैलमस वासा एक्रेंथस पेरा, ये आ अपामार्ग। इसके बाद इस तरह से ये सारे हर्बल प्लांट्स छोटी सी जगह पे लगाए गए हैं जस्ट टू मेक पीपल अवेयर। तो इस वीडियो को शेयर करें, प्लांट्स को देखें, और कमेंट्स में बताएं कि और क्या क्या इस जगह पे लगाया जा सकता है, या आपने बताएं तो उन्हें भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय बाय।